नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख केस की छानबीन कर रही एजेंसी सीबीआई को लेकर मॉर्निंग में एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आई, जिसमें सीधे सीधे बताया गया कि सीबीआई के द्वारा एक प्राथमिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सीधे सीधे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, वो भी अनिल देशमुख को। यानी कि एक्सट्रॉर्शन केस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो भी उनके खिलाफ में दर्ज कराया गया है, उसको पूरी तरह से उसमें अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी गई है। और ये न्यूज़ जो है महाराष्ट्र में हर एक जो मराठी चैनल हैं उसमें दिखाया गया और सीधा सीधा ये बात बोली गई और सीधा सीधा ये क्लेम किया गया कि अनिल देशमुख को जो है क्लीन चिट दे दी गई है, वो भी सीबीआई के द्वारा। लेकिन अब इसको लेकर सीबीआई की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट दी गई है, जिसमें कंफर्म किया गया है कि जो भी न्यूज़ मॉर्निंग में दिखाई गई थी वो पूरी तरह से गलत है। इंडिया टुडे के द्वारा भी जो एक न्यूज़ छापी गई, जहां पर इंडिया टुडे के द्वारा क्लेम किया गया, जिसमें इंडिया टुडे ने सीधा सीधा बोला कि सीबीआई के द्वारा जो प्राथमिक रिपोर्ट जारी की गई है उसकी एक कॉपी जो है इंडिया टुडे के पास में भी है, जिसमें ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे दी गई है, बल्कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अनिल देशमुख के ऊपर करप्शन को लेकर कई बड़े और संगीन आरोप लगाए गए हैं। मतलब कि सीबीआई के द्वारा सीधे सीधे प्राथमिक जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें अनिल देशमुख के खिलाफ कई बड़े और संगीन करप्शन के आरोप लगाए गए हैं और इसमें जो है सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आने वाले टाइम पे अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब कि फाइनल रिपोर्ट जो है अब सामने आई है, जिसमें सीधा सीधा बोला जा रहा है कि अनिल देशमुख को कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। और ये जो रूमर्स फैलाया गया था इसको लेकर भी बात की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो है मॉर्निंग में उनके द्वारा इस पर अपडेट दी गई थी और उनके द्वारा लगातार क्लेम किया जा रहा था कि अनिल देशमुख को जो है पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है, वो भी सीबीआई के द्वारा, और सीबीआई जल्द ही एक्सटॉर्शन के जो केस है उसको बंद कर देगी। जिसके बाद ये न्यूज जो है हर जगह पे मीडिया में छा गई और हर जगह पे दिखाया गया कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन अब जो फाइनल रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ ही कई बड़े केस दर्ज किए हैं और वो भी करप्शन को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है बाय द वे इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।